नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे अपने कुछ केसेस शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये केसेस हैं कोविड-19 के, जो कि मैंने होम्योपैथी द्वारा ठीक किए हैं। दोस्तों, मोस्टली केसेस में मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही दी और रिजल्ट्स वाकई में बहुत ज़्यादा वंडरफुल रहे, और साथ ही साथ पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो रही थी। दोस्तों, सबसे नोटिसेबल बात यह है कि उनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस या तो आए ही नहीं या फिर बहुत ही मामूली से आए। तो आज मैं आपसे ऐसे ही कुछ केसेस डिस्कस करूंगी। इसमें ये है मेरा फर्स्ट केस, जो कि कोविड पॉजिटिव आए थे 28 अप्रैल को। दोस्तों, शुरुआत में इनको हल्का बुखार और गले में काफ़ी खराश थी, तो उसी दिन इनका कॉल आया कि मैम, मैं अपना टेस्ट करा चुका हूँ, मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे और मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। दोस्तों, ये मेरे रेगुलर पेशेंट हैं, तो काफ़ी मैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानती थी, और उस दौरान जो इनके सिम्टम्स आए तो वो सारे सिम्टम्स देखकर इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। दोस्तों, ये देखिए, 9 मई को इनके रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि सिर्फ 11 या 12 दिनों में इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। दोस्तों, जब इनका कॉल आया तभी मैंने इनकी वाइफ को भी सजेस्ट किया कि वो भी अपना कोविड टेस्ट करा ले, क्योंकि उनको भी कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे कि काफ़ी उनको कफ वगैरह और हल्का बुखार उनको भी था। दोस्तों, 30 अप्रैल को इनकी वाइफ ने टेस्ट कराया था, ये है उनकी रिपोर्ट, और फिर इनका भी ट्रीटमेंट चला, और 9 मई को मैंने इनको भी सलाह दी कि वो भी अपना जो टेस्ट है वो रिपीट कराए, क्योंकि इनके सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और ये देखिए इनकी रिपोर्ट, ये कोविड नेगेटिव आए थे 9 मई को। दोस्तों, अब मैं आपको अपना थर्ड केस बताती हूँ। यहाँ पेशेंट का SpO2 था 65। मेरे पेशेंट की जो अटेंडेंट थी, यानी कि उनकी बेटी का मेरे पास कॉल आया कि मैम, हम लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, कहीं पर बेड नहीं मिल रहा, हम अब क्या करें। 65 SpO2 आना एक काफ़ी जो है ऐसी कंडीशन हो जाती है जब इंसान को एनी हाउ ऑक्सीजन सप्लाई और इवन वेंटिलेटर की भी ज़रूरत होती है, लेकिन साथ में इनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था घर पर ही। दोस्तों, जब उनका कॉल आया, लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने वी फास्ट के थ्रू इनकी मेडिसिन भिजवाई, और उनको सिर्फ 3 डोज बाद ये देखिएगा इनका रिजल्ट। ये पूरी व्हाट्सएप चैट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको पता चले कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी कितना जल्दी असर करती हैं। इनकी कंडीशन काफ़ी बेटर होने लगी, और सबसे बड़ी बात जो इस पेशेंट में थी कि वो पैनिक नहीं कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर रही थी, घबरा नहीं रही थी। इस पेशेंट का रिजल्ट देखकर मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। इस पेशेंट की एज थी 60 ईयर्स, यानी कि 60 साल की ये पेशेंट थी। इस पेशेंट को भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ साथ एस्पिडोस्पर्मा का टिंचर भी चलाया था, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल रहे थे। दोस्तों, अब मैं आपको अपने फोर्थ केस के बारे में बताती हूँ। इस पेशेंट की एज है 64 ईयर्स, शी इज़ अ फीमेल, और पेशेंट की बेटी का मेरे पास कॉल आया। वो काफ़ी घबराई हुई थी, लगभग सुबह के 6 से 7 बजे के आसपास इनका कॉल आया कि मेरी मम्मी का SpO2 जो है 70 चला गया है। वो सिर्फ वॉशरूम गई थी और वापस आके उनका SpO2 जब चेक किया गया 70 हो गया, और वो काफ़ी घबरा भी रही हैं। दोस्तों, ये जो पेशेंट है, इसके तुरंत मैंने तभी कुछ सिम्टम्स लिए, कुछ जो पेशेंट की अटेंडेंट है, यानी कि उनकी जो बेटी है, उन्होंने मुझे पेशेंट के कुछ जो है उनके मिजाज और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, और तुरंत लगभग आधे पौने घंटे में उनके पास भी वी फास्ट के थ्रू मैंने अपनी मेडिसिन डिलीवर करा दी। और ये देखिए रिजल्ट, आप सब भी नोट कर सकते हैं। पेशेंट ने तो खैर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिए थे, तो जो सिम्टम्स मिले थे मुझे पेशेंट की बेटी से ही मिले थे। दोस्तों, सिर्फ 3 डोज के बाद पेशेंट की स्मेल वापस आ गई थी, और जो SpO2 70 चल रहा था वो फिर 80 हो गया था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वो 80 ही रहा था। और इसके बाद दिन में सिर्फ एक बार मैंने उनको ये दवा रिपीट करने के लिए कही, और उनकी हालत दिन पे दिन बेहतर होती गई। आप सारी जो चैट्स हैं वो नोटिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी हाउ होम्योपैथी इज़ डूइंग वंडर्स।
ऐसा कहा जाता है, ऐसा एक मिथ है कि होम्योपैथिक दवा स्लो काम करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दवा बिल्कुल सही तरीके से चुनी गई हो तो होम्योपैथी बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिजल्ट्स देते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ सिर्फ दो चार केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास आए थे इस कोरोना टाइम के वक्त, और हर एक केस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। कुछ में हाँ, जो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी पेशेंट की, वहाँ कुछ थोड़ा स्लो रहा रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आया। कुछ ऐसे केसेस भी थे जहाँ पर मुझे एस्पिडोस्पर्मा का टिंचर भी देना पड़ा उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर करने के लिए, और कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिंस भी साथ में दी गई। तो दोस्तों, ये है होम्योपैथी की खूबसूरती, जिसने ऐसे पेशेंट्स की वर्स कंडीशन में, जबकि उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस टाइम पे होम्योपैथी ने इतने बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाए। दोस्तों, ऑल थैंक्स टू आर होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर श्वेता, फिर मिलूंगी आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।